आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े यानी बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला है। मामला है पन्ना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र कोहनी ग्राम का। पन्ना के थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम कोहनी में रात करीब 1 बजे एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े यानी बेटे को कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला। सूत्र बताते हैं कि 50 वर्षीय महिला सुनिया बाई को देवी देवताओं के भाव आते थे और वह कहती थी कि मैं सन्यासी देवता हूं और मैं किसी न किसी का खून पी के ही साथ रहूंगा। बगल में स्थापित देवी मां की प्रतिमा के पास उसी रात में भाव आए और वह अचानक गहरी नींद में सो रहे अपने पुत्र के ऊपर कुल्हाड़ी से 3-4 बार कर दिए, जिस वजह से 24 वर्षीय द्वारिका प्रसाद पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारिन मां को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल जारी कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया अंधविश्वास का लग रहा है, लेकिन पुलिस और भी कई पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली के निरीक्षक अरुण कुमार सोनी ने बताया कि हत्यारिन मां की हालत भी ठीक नहीं है, उसका पहले से ही बीमारी का इलाज भी चल रहा है। हालांकि अब मामला जो भी हो, लेकिन यह बात तो तय है कि एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को कुल्हाड़ी से वार करके मार डाला। इस सनसनीखेज वारदात की खबर से इलाके में जहां एक और सन्नाटा पसरा है, वहीं कई तरीके से लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि वाकई किसी अदृश्य शक्ति ने मां से पुत्र के ऊपर हमला करवाया। कई लोग देवी देवताओं की बात पर विश्वास करते हुए यह भी कह रहे हैं कि कलयुग में सब कुछ जायज है। आज सुबह करीब 2:30 बजे ग्राम कोहनी चौकी बराज थाना कोतवाली से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मां ने अपने बेटे की कुल्हाड़ी से वार करके गर्दन पर हत्या कर दी है। तत्काल वहां पे सभी अधिकारी पहुंचे और गांव वालों से भी चर्चा की गई। पता चला कि 50 वर्षीय सुनिया बाई लोधी ने अपने 24 वर्षीय बेटे द्वारका लोधी को रात में सोते समय कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या करी है। काफ़ी कुछ समय से वो अंधविश्वास में यकीन कर रही थी और काफ़ी समय से घर में अंधविश्वास के चलते कलह हो रही थी और मानसिक तनाव में भी ये महिला थी, जिसके चलते किसी कुंठा और आवेश के तत्कालिक आवेश के कारण इसने अपने बेटे की हत्या कर दी है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद अन्य तथ्य सामने आए। कुछ अंधविश्वास का भी मामला सामने आया? हाँ, ऐसा सामने आया है कि बीते कुछ समय में उसकी झाड़फूंक भी कराई गई है और काफ़ी समय से वो अनाप शनाप बातें बोलती थी, जिसको लेकर परिवार वाले चिंतित थे और उसकी झाड़फूंक वगैरह कराते थे। इन्होंने कई दिनों से इनकी ये सब चीज़ें होने के बाद भी जब वो उसकी हालत स्थिर नहीं हुई तो कल रात को उसने ये घटना पारित कर दी। सर, महिला मानसिक रूप से हल्की सी विक्षिप्त भी है क्या ऐसा? देखिए, इसका प्रमाणीकरण इस स्तर पे नहीं हो सकता, वो जांच के विषय में ही सामने आएगा और जब साइकेट्रिस्ट द्वारा उसका परीक्षण होगा उस वहीं बता पाएंगे कि उसकी मानसिक रूप क्या है। फिलहाल मामला अंधविश्वास और झाड़फूंक और मानसिक तनाव और आवेश का लगता है। सर, महिला कहाँ है और क्या स्थिति? महिला पुलिस की गिरफ्त में है, उससे अभी चूँकि उसकी हालत पूछताछ योग्य नहीं है, इसलिए अभी पूछताछ बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकी है, लेकिन जैसे उसकी हालत स्थिर होगी उसे पूछताछ की जाएगी और घटना के असली कारणों का पता चलाएगा।